Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Maths Track. Today we will discuss on homogeneous differential equation. Questions जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि डिपेंडेंट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड पे. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. तो फर्स्ट क्वेश्चन, y माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स. सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. गिवन इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और स्टैंडर्ड फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो कुछ गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में हमारे पास हैं, वाई माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. अब ये इक्वेशन होमोजीनियस है क्योंकि सबकी डिग्री क्या है, वन है. जितने भी वेरिएबल्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं सबकी डिग्री सेम है, वन डिग्री है. तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का मेथड है. अब हमें क्या करना है, ये एक्स डी वाई को यहाँ वाई डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों को एक साथ हम कर देते हैं ताकि इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ पाए, और इस x को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आएंगे. नेगेटिव x dy by dx को y dy by dx के साथ इक्वल में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं ताकि इन दोनों में से dy by dx कॉमन आ जाए. और वैसे ही x को जब लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा. और इधर से ही ये टर्म जो जाएगी इक्वल में, ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव की हो जाएगी. तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में जा करके पॉजिटिव बन जाएगा, और जब पॉजिटिव बन जाएगा तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से भी और इसमें से भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गई. और ये टर्म्स जब इधर गई तो ये पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, ये एक्स और ये वाई, ये दोनों पॉजिटिव हो गए. और ये एक्स जब यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स. तो इक्वेशन हो जाएगी वाई माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास वो है डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल में फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स तो हमारे पास है ही, इसे इसके डिवाइडेशन में हम यहाँ लिख देंगे. तो टोटल डी वाई बाई डी एक्स के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से, इक्वेशन नंबर वन. अब अगर ये इक्वेशन होमोजीनियस है, जैसा कि है, सबकी डिग्री सेम है, वन डिग्री है यहाँ पे, तो हमें क्या पुट करना होगा इक्वेशन नंबर वन में, ऑलवेज वी हैव टू पुट वाई इक्वल्स टू वी एक्स. जैसे वाई इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन जब एक्स के रिस्पेक्ट किया जाएगा, किसका, वाई का, तो क्या होगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बाई यू इंटू वी मेथड. वी का वी एज इट इज एक्स का एक्स रिस्पेक्ट वन, देन एक्स एज इट इज वी का डी वी बाई डी एक्स. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से ये दोनों वैल्यूज, वाई की वैल्यू और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इक्वेशन नंबर वन में हम रिप्लेस कर देते हैं. तो इक्वेशन वन देखो क्या हो जाएगी, जहाँ पे भी x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा होमोजीनियस में x ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा ही होगा. और y जहाँ पे भी होगा उसकी जगह v आ जाएगा. अगर y की डिग्री 1 है तो v की डिग्री 1 आएगी, y की डिग्री 2 है तो v की डिग्री 2 रहेगी, y क्यूब है तो v क्यूब आ जाएगा. और जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ 1 आ जाएगा. क्यों, क्योंकि x हमेशा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा जब भी y की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे. तो डायरेक्ट इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, जैसे कि हमने यहाँ शो किए. तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई, इक्वल में था एक्स वाई माइनस एक्स, इक्वल में था वाई माइनस एक्स. तो वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वी एक्स. तो इक्वल में इक्वेशन क्या रहेगी, वी एक्स माइनस एक्स, और डिवाइडेशन में क्या है, इक्वल में था एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, वाई की जगह अगेन वी एक्स. अब देख लीजिए ऊपर नीचे एक्स कॉमन लेके जब कैंसिल आउट करेंगे, यानी ये एक्स कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये भी एक्स कॉमन लेकर के ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहा, वी माइनस वन, और नीचे रह जाएगा वन प्लस वी, कुछ इस फॉर्म में, वी माइनस वन अपॉन वन प्लस वी. इसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से वी को राइट हैंड साइड में लेके आना है, जैसे ही एक्स कैंसिल आउट हों. तो जब लेकर आएंगे तो वी यहाँ करके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, वन प्लस वी का इस नेगेटिव वी के साथ कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करना है, वन प्लस वी का. तो जब वन प्लस वी को नेगेटिव वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वी माइनस वन तो है ही,
मल्टीप्लिकेशन जब वन प्लस वी से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर और ऊपर एडिशन में आ जाएंगे कुछ इस तरह से। डिवाइडेशन में वन प्लस वी हमारे पास है। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव वी और पॉजिटिव वी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और टर्म्स आ जाएगी माइनस वन माइनस वी स्क्वायर, जिसमें से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में रह जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर और डिवाइडेशन में रह जाएगा वन प्लस वी, कुछ इस तरह से स्टेप आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब सब कुछ सिंप्लीफाइज हो गया और हम कुछ सिंप्लीफाइज नहीं कर पाते या नहीं कर पाएंगे, तो अब उसके बाद हमें करना होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़। वेरिएबल सेपरेबल मेथड वी, जो भी फंक्शन ऑफ वी है उसे डी वी के साथ, जो भी फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसे डी एक्स के साथ बिल्कुल सेपरेट करना उन वेरिएबल्स को। सो द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फंक्शन ऑफ वी डी वी के साथ हो जाएगा और फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स के साथ होगा, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा वन प्लस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये जो नेगेटिव हमारे पास यहाँ रह गया वो यहीं, इसको मैंने राइट हैंड साइड में छोड़ दिया, ये एज इट इज़ रहेगा। वन प्लस वी यहाँ आएगा पहले तो, और वन प्लस वी स्क्वायर इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा और डी वी के साथ सेपरेट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होगा इंटीग्रेशन का हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ ऑफ साइड्स वन प्लस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हमारा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम सेपरेटली लिख देते हैं। सेपरेटली मतलब वन के अपॉन में भी वन प्लस वी स्क्वायर और v के अपॉन में भी 1 प्लस वी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो हम इसको कुछ सेपरेट वे में लिख देते हैं कुछ इस तरह से, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर एंड v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब एक फार्मूला स्टूडेंट्स, फार्मूला डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फार्मूला होता है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ ए तो रिप्रेजेंट कर रहा है वन को और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वी को, तो ए की जगह वन और एक्स की जगह वी जब पुट करेंगे तो वन अपॉन वन टेन इनवर्स वी अपॉन वन, कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ ए की वैल्यू वन है और एक्स की जगह हमारे पास वी है, तो हमारा जो इसका इंटीग्रेशन का आंसर होगा वो होगा टेन इनवर्स वी ओनली, 1 अपॉन वन टेन इनवर्स वी अपॉन वन, दैट इज टेन इनवर्स वी। और यहाँ इसके सेकेंड इंटीग्रेशन में, इस सेकेंड पार्ट में आप 1 प्लस वी को 1 प्लस वी स्क्वायर को टी पुट कर सकते हैं हम, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो क्या आ जाएगा 2 वी डी वी इक्वल में क्या आ जाएगा डी टी। हमें क्या चाहिए, वी डी वी की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या आ जाएगी डी टी बाई टू, और डी टी बाई टू यानी कि इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा डी टी बाय टू, तो जो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और डिवाइडेशन में वन प्लस वी स्क्वायर का हमने क्या लिया टी, तो ये आ जाएगा टी और डी टी बाय टी लॉग टी, यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा वन बाय टू लॉग टी। टी को फिर से हम रिप्लेस करेंगे, टी को जब हम फिर से रिप्लेस करेंगे तो वो आएगी वैल्यू वन प्लस वी स्क्वायर, तो वन बाय टू लॉग वन प्लस वी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इक्वल में अब क्या रहेगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, और माइनस डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सभी को मालूम है माइनस का लॉग एक्स। तो तीन इंटीग्रेशन तीनों कुछ इस तरह से होंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन टेन इनवर्स वी प्लस वन बाई टू लॉग वन प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि वन प्लस वी स्क्वायर को हम टी पुट करते हैं, उसके बाद वैल्यूज आएंगी वन बाई टू लॉग वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे भी वी है उसकी वैल्यूज हमें पुट करनी है और हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज़ टेन इनवर्स वी। हमने क्या वाई इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया है, तो वी क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ वी वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये भी होमोजीनियस है, कहीं जगह तो एक्स की डिग्री वन है और कहीं एक्स की डिग्री टू है। तो देखो स्टूडेंट, जहाँ एक्स की डिग्री टू है वहाँ स्क्वायर रूट है, और वहाँ से जब हम एक्स कॉमन लेंगे अगर, तो x की डिग्री 1 ही बाहर आएगी स्क्वायर रूट से, तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी विदाउट स्क्वायर रूट। इसलिए सबकी डिग्री क्या है यहाँ पे सेम है, होमोजीनियस इक्वेशन है।
अब करना क्या है हमें, ये भी dx की टर्म है, इसको हमें यहाँ ले राइट हैंड साइड की ओर लेके आएंगे जो कि पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर इन दोनों में से dx हम कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कुछ इस तरह से, x dy वाई माइनस वाई dx है तो y को हम राइट हैंड साइड में ले आए और y क्या हो गया पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए, dy वाई बाई dx चाहिए, तो dy वाई बाई dx यानी dx इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा और x इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो हमें dy वाई बाई dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, और इक्वेशन नंबर वन। अब जैसा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो हमें क्या पुट करना है, बाय अकॉर्डिंग टू द मेथड वी हैव टू पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, वी गेट जब y की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन होगा किसमें, स्क्वायर रूट में, और इस y की जगह भी क्या आएगा वी एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कॉमन जब लेंगे तो क्या आएगा, बाहर x आएगा जो कि स्क्वायर रूट में है, और एक x यहाँ से कॉमन आएगा जो कि डिवाइडेशन के x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हमने जो कि यहाँ रख क्या रहेगा वन, यहाँ वाई स्क्वायर की जगह हमने किया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने तो क्या रहेगा प्लस में वी स्क्वायर, और प्लस इस वाई की जगह भी एक्स था वी एक्स, तो वहाँ पे भी एक्स कॉमन ले लिए तो वी, जो कि डिवाइडेशन के एक्स से कैंसिल आउट होगा तो डिवाइडेशन कुछ आएगा नहीं, तो क्या रह जाएगा रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। कुछ ये क्वेश्चन रह जाएगी हमारे पास। अब हमें ये मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड से वी राइट हैंड साइड की ओर लेके आते हैं जब सब कुछ सॉल्व हो जाते हैं, तो वैसे तो ले आओ तो भी, नहीं भी अगर नहीं भी लेके आओगे तो हमें मालूम है कि दोनों इक्वल में कोई भी दो टर्म्स हो और वो दोनों सेम हो, सेम साइन में हो और सेम टर्म हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो इस वी से ये वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में वी से वी कैंसिल होने के बाद ये स्टेप बनेगा। नाउ यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर को डी वी के साथ और डी एक्स को एक्स के साथ, तो कुछ ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। जैसे वेरिएबल हमारे सेपरेट हुए हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स का, स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन का, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट में, तो फार्मूला होता है लोग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक ही जगह वन है तो फार्मूला हो जाएगा लॉग वी प्लस रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। जब दोनों आंसर हमारे पास लॉग में आ जाएं, तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट भी फिर हम लॉग में लेंगे ताकि लॉग कैंसिल आउट करने में हमारी प्रॉब्लम नहीं होती। अब दोनों साइड लॉग कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी टर्म्स कुछ इस तरह से, इक्वल में लॉग एक्स प्लस लॉग सी क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी, अब लॉग से लॉग कैंसिल कर देंगे तो टर्म्स आ जाएगी ये v प्लस रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू सी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v दैट इज y अपॉन x, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट अगर आज की वीडियो में कुछ प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कमेंट में नीचे, और अगर कोई डाउट आपको आपने कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन किए हों होमोजीनियस पे बुक से, अगर उसमें किसी तरह का कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आप इस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें उसको मैं सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए बने रहिए इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे मैथमेटिक्स की वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, आपके कोर्स से रिलेटेड भी और आपके अपकमिंग कोर्स से रिलेटेड भी, तो बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल के साथ, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।